नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे बनाने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या कोई गेस्ट आने वाला हो तो आप इसे फटाफट से बना करके सर्व कर सकती हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमने आधा कप साबूदाना लिया है नॉर्मल साइज का, जिसे हमने 2 कप पानी में भिंगा दिया था 6-7 घंटे के लिए। साबूदाना जितना अच्छे से फूला रहेगा उसे पकने में उतना ही कम टाइम लगेगा। गैस ऑन करके 1 लीटर दूध हमने एक पतीले में रख दिया है बॉईल होने के लिए। दूध बॉईल हो चुका है और अब हम साबूदाना को पानी से छान करके निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये फूलने के बाद कितना ज़्यादा हो गया है, तो इसे हम दूध में डाल लेते हैं। दूध को गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साबूदाना में अपना स्टार्च ज़्यादा होता है जिससे हमारा खीर बहुत ही ज़्यादा ठीक बनता है। तो यहाँ पे हम रेगुलर दूध भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फुल क्रीम मिल्क ही हो। साबूदाना मिलाने के बाद 1-2 मिनट हमने इसे पका लिया है और अब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डाल रहे हैं। चम्मच से देखें तो 6 बड़े चम्मच चीनी है और ये 2 मिनट ही हुआ है। 2-3 मिनट में ही ये देखिए हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। जब साबूदाना पक जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो हमारा साबूदाना का खीर बन के तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा अपने पसंद का ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पे हम काजू, बादाम और थोड़े से नारियल डाल रहे हैं। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। 2 मिनट हम इस खीर को और पका लेंगे। और अब गैस को बंद कर दिया है, खीर हमारा तैयार है। आप देख रहे होंगे कि अभी खीर कुछ पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होती जाएगी इसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी और ये खीर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पे 2 इलायची को बारीक कूट करके मिला लेंगे और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं और अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से इसे हम गार्निश कर लेते हैं। और बाकी बचे हुए खीर में हम 1 कटोरी मैंगो का पल्प मिला लेते हैं और इसको हम साबूदाना मैंगो खीर के रूप में तैयार कर लेंगे। तो इसे भी हम एक अलग बाउल में सर्व कर लेते हैं और ऊपर से हम कुछ मैंगो के पीसेस और अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। तो हमने 2 तरीके से इस डिज़र्ट को तैयार कर लिया है, एक सादा और दूसरा मैंगो के साथ। देखा दोस्तों कि कितने कम वक्त में और कितने आसानी से हमने घर पे बहुत ही अच्छे डिज़र्ट बना के तैयार की है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको सादा वाला पसंद आया या मैंगो वाला, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक घर का खाएं और स्वस्थ रहें। बाय बाय।